जब मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रही थी उस दौरान में मेरी जो पूरी फैमिली थी दे ऑल वर अगेंस्ट ऑफ दैट और वो यही कहते थे कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करना एक लड़की के बस की बात नहीं। लेडी पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा ये सबसे पहला ये फर्ज होता है कि अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से निभाऊं और उसके बाद सबसे बढ़कर ये कि अपने यूनिफॉर्म के डिग्निटी और वकार और प्रेस्टीज का ख्याल रखूं। हमें जराइम पेशा अफराद के साथ साथ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक फीमेल को घर से बाहर निकलने और उसके काम करने पर तनकीद की निगाह से देखते हैं। हमारा जज्बा, हमारा हौसला ये इन चीजों से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जिस दिन मैं यहाँ पर पुलिस में भी ज्वाइन कर रही थी तो उस दिन भी बम का एक धमाका हुआ था सेशन कोर्ट के पास और उसने मेरे हौसले को पस्त नहीं किया था बल्कि बुलंद किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MBS पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद यासीन खान। अच्छा, शुरू में जो आपने क्लिप देखी वो बेसिकली मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है फ़ख्रे पाकिस्तान, जिसके लिए मैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस करता हूं, जिसमें उन पाकिस्तान के ख़वातीन हज़रात को अप्रीशिएट करता हूं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो। तो आज जिनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल हैं जो कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा हैं और इनको कहा जाए कि एशिया की पहली खातून हैं। तो शायद मेरे ख्याल में एशिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई खातून बॉम्ब स्क्वाड जो है उसमें शामिल हों। अच्छा जी, अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, एमए इंटरनेशनल रिलेशन किया हुआ है और एलएलबी का एग्ज़ाम देने वाली हैं या दे चुके हैं, जब तक ये न्यूज़ कन्फर्म हो जाएगी तो उसके बाद। अच्छा, कुछ अर्से पहले पाकिस्तान पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था एज ए लेडी कॉन्स्टेबल और वहाँ से 31 लोगों को सेलेक्ट किया गया जो कि नौशहरा के स्कूल ऑफ एक्सप्लोजिव में गए ट्रेनिंग लेने के। उन 31 में से ये वाहिद पाकिस्तानी खातून थी जिन्होंने वहाँ से कोर्स कंप्लीट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि एक खातून फीमेल जो हैं वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा हैं और इस वक्त वो है जो इसमें काम कर रही हैं। तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और अपनी तमाम फ़ख्रे पाकिस्तान जो जिनको जिनकी वजह से पाकिस्तान को फ़ख्र हो उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम उस पर भी ज़रूर वर्कआउट करेंगे और एक अच्छी सी वीडियो बना के ज़रूर डालेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बाकी इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।